आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो मैं नहा धो ली हूँ, मेरा सारा काम हो गया है। आज मावस है, मावस निकाल दी है और आज मैं है ना मावस निकालने में बहुत लेट होगी। आज मेरा कितने बजे मावस का डीएसआर डे 11 बजे। और इतनी लेट क्यों हुई, क्योंकि मैं आप लोग जो मतलब मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं पहले थे उन सब ने भी बेरा है, मैं ससुराल जा रखी थी और मेरा जो यहाँ का चूल्हा था वो भी ससुराल में ही है। उसके बाद मैं वहाँ से गुड़गांव चली गई, गुड़गांव से मैं सीधी यहाँ आ गई। तो जो मेरा चूल्हा है गैस का वो गुड़गांव वहाँ ससुराल में ही रखा ही, हम लेके ना आए हैं। कल मेरे हस्बैंड गए भी थे पर गैस ना लेके आए। तो यहाँ मेरे पास सिंगल स्टील का चूल्हा है एक, तो उसमें अब आप यूँ देखोगे एक चीज़ बन जाएगी वो उतार दो, फिर दूसरी बनाओ, फिर वो उतार दो, फिर तीसरी बनाओ, इस तरीके से बने। तो आज मावस निकालने में मैं बहुत लेट होगी, कुछ सुबह उठी भी लेट थी, 6:30 बजे उठी थी आज मैं। तो बस फिर घर का काम वाम करा सारा, साफ सफाई सब, और फिर आज 8:30 बजे से बच्चों का एग्ज़ाम भी था, मंडे है, फिर लकी के साथ बैठी। तो मावस निकालना बहुत ज़्यादा लेट होगी। और सुबह का कितना अच्छा सुहाना मौसम था वो भी आप लोगों ने देखा, किस किस ने इन्जॉय करा वो बता दियो। और तीज है अब थर्सडे की, आज मावस होगी तो तीज है थर्सडे की। और मतलब मेरी मम्मी ना एक कहावत का ये करे, आई तीज बखेर की बीज, आई होली भरलेगी झोली। मतलब जैसे तीज आई तो त्योहारों का सीजन शुरू हो गया, तीज जैसे ही आ जाती है तीज के बाद फटाफट धड़ाधड़ एक के बाद एक त्योहार आने शुरू हो जाए। लेकिन होली के बाद कोई त्योहार नहीं आता, होली के बाद सीधी तीज आवे। तो ये कहावत हरियाणा में बहुत ज्यादा फेमस है, आई तीज बखेर की बीज, आई झोली भरलेगी झोली, आई होली आई झोली नहीं, आई होली भरलेगी झोली। तो यह कहावत हरियाणा में बहुत ज़्यादा फेमस है। तीज पे झूल गले हैं, झूले झूले हैं, तो किस किस का झूल गल रही है, किस किस ने झूल गाल लिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कौन कौन झूलन जाएगा, हमारे आड़े तो झूल गलन का कोई रास्ता है ना कोई झूलन का रास्ता है ना। और बर्फी खा लो, मेरी कोथली की बर्फी और मैंने है ना ये वाली बर्फी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वैसे मीठा नहीं खाती, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती, सिर्फ चाय पिए करूँ मीठी, बाकी हलवा खीर वगैरह मैं कुछ भी कभी भी नहीं खाती। लेकिन ये वाली बर्फी मैंने इतनी पसंद है, बहुत मतलब ये फेवरेट है मेरी। और ये मैं पहले शादी से पहले तो पता ही ना था, शादी के बाद अब मेरे हस्बैंड जैसे लेके आए हैं ना तो ये मेरी फेवरेट है। यहाँ मतलब मेरे ससुराल के बगल में गाँव है और वहाँ पे सामने बना के दिया करे, सामने खोआ निकाल कर और सामने बना के दिया करे। तो ये बिल्कुल प्योर खोए की, इनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग सा है, बहुत अमेजिंग सा टेस्ट है इनका। तो ये मेरी फेवरेट है। घेवर भी मैं नहीं खाती, घेवर भी आ रखा है, खोए वाला है, थोड़ा बहुत मैं खा लिया करूँ खोए वाला, लेकिन इतना सा इतू सा बस इतना खाए करूँ, नहीं तो बाकी मैं घेवर वेवर नहीं खाती, ये बर्फी है खाए करूँ। मेरे हस्बैंड भी कहेंगे बस इन्हें मिला गिर और कुछ मत खाया कर। मैं कहता और पूरा मतलब दिन में मैं पता है कितनी बर्फी खाती हूँ, दिन में सिर्फ एक बर्फी खाती हूँ क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती। तो दिन में एक बर्फी खाऊँ उससे मेरा कोटा पूरा हो जाए। तो आप लोग भी खा लो मेरी फेवरेट बर्फी। असली में मेरा केक क्या आया वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शेयर मैंने पहले ये करना था क्योंकि आज हो गया सोमवार, मंगल बुध दो ही दिन रह गए तीज में, वीरवार की तीज है तो पहले शेयर करना चाहिए था, लेकिन मैंने टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी शेयर करने का। और किस किस का कोथली में केक क्या आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पतासे मट्ठी जो बड़े बड़े पताश रहे किस किस के आए हैं। और जब मैं गाँव में रह करती ना ससुराल में, जब मेरी मम्मी दिया करती मीठी मट्ठी फीकी मट्ठी और वे बड़े बड़े पताश और बहुत सारा सामान दिया करती, क्योंकि गांव में के रहे गांव में आस पड़ोस में बट जाए, लेकिन यहाँ ही हम किसने दे रहे पताशा, हम खाते नहीं, बाकी जो पताश बचे करते मम्मी चाय बना लिया करती उसकी अपनी मट्ठी पालक खा ले है। अब यहाँ ना तो मेरे बच्चे मीठा खाते ना मैं मीठा खाती, और वैसे भी आजकल मट्ठी कौन खाया, कोई ना खाता, गाँव में भी पापा खा लिए करते चाय के साथ। और पताश और मट्ठी वैसे बट गांव में बटन में काम आ जाए जो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। अब यहाँ मैं किस तरह बाटू किस तरह देऊँ, तो मैं पताश और मट्ठी वगैरह नहीं मंगाए अब की बार मैंने कोठली में, अब की बार के दो तीन साल से आई नहीं रहे, जब से मैं द्वारका आई हूँ नहीं आ रहे हैं। मैं पैसे ले लिया करूँ उनके, क्योंकि उसमें बटना तो है नहीं, मैं क्या करूँगी फिर फेंकने पड़ेंगे, तो मैं पैसे ले लिया करूँ, आजकल मैं कैश में काम चला लेती हूँ है ना। और चलो फिर
एक बारी मैं फटाफट से आप लोगों को कोथली के सूट दिखा देती हूँ और बर्फी खा लो। मस्त है एकदम। तो चलो सूट देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सूट दिखाने से पहले ना आप लोगों को एक चीज और दिखाऊं, ये वो देखो। हम जब घर जा रहे थे ना, मैं रहने हो क्यों करली कड़ का पड़ गया, आप पहली कड़ का पड़ गया। मैं रहना क्यों कर पड़ गया, इसीलिए मैंने बंद कर रखा है। तो सबसे पहला सूट है यो, और इसका गला ना बड़ा बनाया था, तो ये बहुत डीप गला था, इसलिए मैंने ये गला छोटा कर दिया। मैं डीप गले पहनती नहीं, तो इसमें इसके जो गला है ना, इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है इसमें, और ये गले में है और ये नीचे ऐसे पट्टी है, बाकी पूरे में ऐसे लाइनिंग है, और फिर नीचे है बॉर्डर, ये रहा, ये इस तरीके का बॉर्डर है नीचे, जो मतलब गले में पट्टी लग रही है ना, पाए पट्टी इसमें लग रखी है बॉर्डर में, और बाजू इसकी ऐसी हैं, बनी हुई हैं बाजू के भी, यहाँ जो ऐसे कफ आवेगा उसमें बॉर्डर है दोनों साइड, मतलब दोनों बाजू में, दोनों साइड नहीं, दोनों बाजू में, और बाजू मैंने इसकी इतनी बनाई है, जो कोनी बाजू हुए करे ना वो बाजू बनाई है। और इसका जो प्लाजो है वो रेडीमेड है, ब्लैक कलर का प्लाजो है इसका, रेडीमेड है, और इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है प्लाजो में भी, इस तरीके से है। और इस सूट की जो चुन्नी है वो डबल शेड में है, ब्लैक और ये जो भी है ग्रेइश सा कलर है, और इसकी ना बॉर्डर पे, चुन्नी की बॉर्डर पे इस तरीके से ब्लैक कलर का सैटन रिबन लगा रखा है। एक है ये पैंट शर्ट या पैंट है, और इसके अंदर ये शर्ट है, ये शर्ट है। वैसे आजकल कोई ना पहनता है, न सिला कर, ये लेन देन में ही चले हैं मेरी, उसके पास उसकी, उसके पास उसकी, उसके पास, इस तरीके से लेन देन में ही चले हैं ये, आजकल कोई सिला कर नहीं पहनता इसमें। और जो दूसरा सूट है वो है ये ग्रीन कलर का, और ये ग्रीन कलर ना बहुत अलग सा ग्रीन कलर था, वैसे ब्लॉग में आप लोगों ने मम्मी को और भाभी को देखते हुए देखा ही था शायद, शायद नहीं, डेफिनेटली देखा था। तो बस वही सूट है ये, और यो सूट है ऑल ओवर, इसकी जो बॉटम है वह भी इससे कलर की है, और इसका भी गला बना हुआ है, बाकी सिल लूंगी तब देखूंगी कि इसका भी थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है मेरे को, ऐसे चौड़ाई में ज्यादा है तो ऊपर से कट कर दूंगी, तो ये बोट नेक बन जाएगा, और इसमें भी इस तरीके से बीच में पट्टी लगा रखी है, और ये पट्टी भी यहां तक है, और ये बटन है फैंसी से है, छोटू छोटू से, बिल्कुल छोटू छोटू से बटन है, तो ये इस तरीके का है, कुछ दिख नहीं रहा ना, लाइट का फोकस आ रहा है, रुको दूसरे एंगल से दिखाती हूँ आपको, और एंगल सेट करते करते चली गई लाइट, अब लाइट आएगी तब दिखाएंगे। और ये देख लो इसका एंगल सही आ गया कि ना आ गया, बे रहना ये ना आता, और यू है ना एम्ब्रॉयडरी है इसमें, मैंने कई साइड से देख लिया करके, बट चमका आवे है इसका थोड़ा सा कैमरे का, ऐसे करके दिखा दूं मैं आपको, ऐसे सही दिख गया ना, तो यो एम्ब्रॉयडरी है, हमारी लाइट भी चली गई थी एंगल सेट करते करते। और नीचे बॉर्डर में है इसमें ये थोड़ा सा गोटा टाइप करके, और यो बॉर्डर बना रखा है इसका, इस तरीके से बॉर्डर है, तो यो है सूट पूरा, कोशिश कर रही हूं मैं दिखाने की, यह कढ़ाई है इसमें। और इस वाले सूट का कलर ना मेरी मॉमसी को पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, ऐसे बोल रही थी, यो ये कलर पाया तूने पूरी दुकान में और दूसरा रंग ना पाया। वीडियो में भी आप लोगों को शायद सुनाई दिया होगा, बोल रही थी, और वो भाभी बोल रही थी मम्मी को ना ये वाला कलर पसंद नहीं आता, मगर यो ये कलर सब तो बढ़िया था, चारू पीछा में। और इसकी चुन्नी है ये, और इसकी ना चुन्नी मेरे को बहुत प्यारी लगी, तो चुन्नी के कारण ही मैं ये सूट लेके आई थी, यो ये चुन्नी है, और यो बॉर्डर है चुन्नी में, ये देखो है ना, और ये वाला बॉर्डर है किनारियों पे, इतना चौड़ा बॉर्डर है किनारियों पे, देखो इतना चौड़ा है, और ये छोटू छोटू से इस पे लटकन दे रखी है चारों तरफ,
तो ये ऐसे है ये चुन्नी, मेरे को आप लोग बताना जरूर आप लोगों को कैसी लगी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी ये चुन्नी, इसलिए मैं सिर्फ चुन्नी के लिए ही खरीद के लेके आई इस सूट को। सर पे उठ के दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो आज बैठे बैठे ही काम चला लो। ये थे मेरे कोथली के सूट, किसे लगे आप लोगों ने मैसेज करके जरूर बताइयो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करियो कौन सा वाला सूट आप लोगों ने ज्यादा अच्छा लगा। तो यो वाला जो सूट है, यो वाला तो मैं, मेरे को सिलना है, आज सिलूंगी, आज नहीं सिला तो कल सिलूंगी। आज तो मेरी कमर में दर्द है तो इसलिए आज मैं मशीन नहीं डाल रही हूँ। मशीन वैसे मैंने कल मंगा ली, घर रखी थी, मैं घर मंगा ली थी। बेरा के भैया हम घर गए ना तो वहां मैंने आप लोगों को सूट दिखाए थे सफेद वाला, खोड़ दिए टोकरे। कौन से ने गिरा? किसने गिराई प्लेट? दोनों बहन भाई लाग रहे हैं। तो वो जो मैंने घर आप लोगों को सूट दिखाए थे ना, तीन चार सूट दिखाए थे, तो उसमें से सफेद वाला सूट मैंने काट लिया था। तो मेरे हस्बैंड जब वहां से घर से यहाँ फ्लैट पे आए थे, मतलब फ्लैट पे ही रहते थे वो, हम घर थे तो फ्लैट से जब जिस दिन जा रहे थे ना, तो मैंने उनको यूं कही कि भाई आप मेरी मशीन ले आना, मेरे को सूट सिलने आई। बोले ठीक है, तो मशीन ले गए मेरी उठा के। और अब वो सूट सिला ना सिलाया, अगले दिन या पता नहीं उससे अगले दिन मैं चली गई गुड़गांव। अब मैंने फिर कल वे घर गए थे तो मैं बोली, मगर मेरी मशीन उठा ली, मैंने सूट सिला। ये बोले हाँ, उड़ा तो तने किले तोड़ दिए थे, उड़ा तो किले ढा दिए थे तने, सूट सिल सिल के उड़ा कितने सूट सिले थे, आराम थे फिर सूट सिल दे, सूट सिलना नहीं एक अन मशीन ने ठाए ठाए अंडे जा है, मैं तेरी मशीन ने ले कदे नू कदे नू अंडे जाओ वगैरह ना लिया, यो इतनी जा रही है इतने सिलना है। तो यो काट रखा है यो वाला, तो उन्हें फाइनली सिलना है, कल सिलूंगी, कल मतलब कोशिश रहेगी कि कल सिलू। और तो कमर में दर्द है तो ज्यादा देर बैठगी तो फिर ज्यादा हो जाएगा, वैसे कट रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगनी है, उससे ज्यादा नहीं लगनी, बट कल ही सिलूंगी। तीज पे आप लोग के करण वाले हो, क्या क्या प्लानिंग है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, मेरे को जरूर बताना आप लोग के करण वाले हो। मेरा मतलब मेरी प्लानिंग थी कि हम घर जाएंगे, लेकिन थर्सडे को बच्चों की क्लास है। देखो अगर छुट्टी हुई स्कूल की तो मैं जाऊंगी घर, अगर घर इन द सेंस ससुराल, और अगर छुट्टी नहीं हुई बालका की तो फिर मैं रहूंगी यहीं पे। और क्या कुछ बनाएंगे वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। हम तला पला ज्यादा खाते नहीं है तो इसलिए देखते हैं क्या बनेगा, बच्चे जो बोलेंगे वही बनाएंगे, बाकी उसी दिन पता चलेगा तीज वाले दिन क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं बनेगा, जो भी होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और मेरे को ना आप लोगों से कुछ बात करनी थी यार, मैं ना भूल जाऊं, मेरी इतनी बुरी बीमारी है यार कि मैं बताने भूल जाऊं। हाँ, जो मैंने मधु वाली वीडियो पोस्ट करी थी उस वीडियो पे मेरे को एक कमेंट आया कि एक सेकंड मैं आपको देख के बताती हूँ क्या आया था। जो आईडी थी, आईडी का नाम था गुड मॉर्निंग 2710, ठीक है। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि मे भी इस आईडी से पहले भी मेरी वीडियो पे कमेंट आया है, और ये आईडी अभी रिसेंटली बनी हुई है, बहुत पुरानी आईडी या नहीं है मैंने चेक कर ली है। इसमें सबसे जो इसने पहले कमेंट करा, वो कमेंट इसने करा, माँ किसको बोल रही हो, सास को या अपनी मम्मी को? तो मैडम जब अगर तू मेरे को देख रही है, तू मेरे ब्लॉग्स देखती है, वीडियोस देखती है, तो तने यू पता होगा कि वीडियो में कौन है, मेरी माँ है या मेरी सास है। और अगर मेरी मम्मी है या मेरी सास है, मैं दोनों को ही मम्मी बोलती हूँ, ठीक है, दोनों को ही मैं माँ बोलती हूँ। मतलब मेरा हमारा यही रहता है कि मम्मी भी बोल दिया, माँ भी बोल दिया, मॉमसी बोल दिया, मॉमी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। मेरी सास भी जो है वो हमारे साथ एज अ फ्रेंड रहती है, काफी सारी वीडियोस में मैंने मेरी सास को भी दिखाया है, मेरी मम्मी भी है, मम्मी भी ऐसी रहती है। तो पहले इसको मैंने बहुत जेन्युइन तरीके से रिप्लाई किया था कि जो भी किया था, ठीक है, वो अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। उसके बाद इसका थोड़ी देर बाद आता है कमेंट मैडम का, टाइटल ऐसा टाइटल तो ऐसा लगा रखा है नेगेटिव, तुम सारी एक जैसी हो, झूठे टाइटल्स ही डालती हो। तो मेरा जो मधु वाली वीडियो थी उसका टाइटल था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगी, ठीक है,
ये बहुत ही रिस्पेक्टेड टाइटल था। इस टाइटल में किसी को भी अगर नेगेटिविटी दिखती है जरा सी भी, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरा कि इस टाइटल में क्या नेगेटिविटी थी। क्योंकि ये टाइटल मैंने क्यों डाला था, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मधु जैसी एक स्टेबल यूट्यूबर, मैं बड़ा छोटा नहीं बोलूंगी क्योंकि उनको ये चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है जब हम उनको बोलते हैं बड़े यूट्यूबर हैं, तो मैं नहीं बोलूंगी वो चीज। एक स्टेबल यूट्यूबर जो एक नोन फेस है यूट्यूब का, वो आगे से होके मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है। तो मुझे उस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा कर सकती हैं, वो मुझे कॉल करेंगी या मेरे से बात करेंगी या वो किसी को ये बोलेंगे कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरी बात करा दे। तो ये चीजें मेरे को एक्सपेक्टेड थी ही नहीं, ठीक है। तो जो चीज हमें एक्सपेक्टेड नहीं है वो एकदम से जब हमारे साथ हो जाती है, तो इसमें नेगेटिव जैसा क्या है, नेगेटिविटी जैसा क्या है। मैंने उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोली है, मैंने तो यही तो बोला है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगी, ठीक है। और करेंगी बहुत रिस्पेक्टेड वर्ड होता है मैडम, शायद तेरे को खुद को ये नहीं पता कि रिस्पेक्ट क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है। तुम उन लोगों में से एक हो जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है, भूसा भरा होता है, गोबर भरा होता है, ठीक है। और अपने भूसे को, गोबर को, गंदगी को लेके तुम यूट्यूब पे यहां से वहां, वहां से वहां धक्के खाती फिरती हो, और फिर तुम लोगों को जज करती हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अरे यार, तुम लोगों को खुद को ये पता है कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है? तुम्हारे को खुद को अंतर नहीं पता। तो मेरे टाइटल में नेगेटिविटी जैसा कुछ भी नहीं था, मैंने जस्ट एक सिंपल सा टाइटल लिखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगी, उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने टाइटल डाल दिया, दैट्स इट। क्या नेगेटिव है इसमें, ठीक है। इनको मैंने रिप्लाई भी करा है मैडम जी को, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई मुझे रिप्लाई दिया नहीं है। मॉर्निंग में इनका आया था और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे का, अभी तक इनका कोई रिस्पांस नहीं आया है। मेरे को लगता नहीं कि ये करेगी भी, ये कोई फालतू वाहियात औरत है जो यूट्यूब पे धक्के खाती फिरती है, इधर से उधर, उधर से इधर डम्मे मारती फिरती है, इधर से उधर सिर मारती फिरती है, ठीक है। वो एक वाहियात औरत है ये, तो इसको कोई काम धंधा है नहीं, बस यही पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ढूंढती रहती है। तो ढूंढो मेरी बला से। और मेरे को मेरी टाइटल में कोई नेगेटिविटी दिखी नहीं, क्योंकि मैंने टाइटल नेगेटिव वे में करके डाला ही नहीं। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, मेरा और मेरा जो नजरिया है ना वो भी बहुत पॉजिटिव है, तो इसलिए मुझे हर चीज में पॉजिटिविटी दिखती है। मैंने टाइटल भी बहुत पॉजिटिव वे में डाला था। अब तुम्हें अगर नेगेटिविटी दिखती है, तुम्हारे दिमाग में गंदगी है, गोबर है, भूसा है, कूड़ा है, नेगेटिविटी है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जो इसने सास वाला और मम्मी वाला लिखा था ना, उसके बाद जो मैंने इसको रिप्लाई किया था वो मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करके इसका ये नेगेटिव कमेंट आने के बाद मैंने इसको रिप्लाई किया है। बेबे पहली बार आई दिखे मेरे चैनल पर, पीछे की वीडियो जाकर देख ले, बेरा पाट जाएगा सारी बाता का, ठीक है। तो मैं बहुत एक टूक जवाब देती हूँ लोगों को, अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो बाहर में जाओ, गो टू हेल। बहुत सिंपल सा फंडा है मेरा। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप, और इनको जाने देते हैं हेल में, भाड़ में, ठीक है। और मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नए टाइटल के साथ, नए कंटेंट के साथ और नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, प्यार भरी राम राम सभी को, जय माता दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड लव यू ऑल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब।